कि एक रब को मानते हैं, एक नबी के उम्मती हैं, खास हैं कोई, हम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं जो आप कहें हम मान लें। कि उन्होंने हर तरह से हैंडीकैप करना था पीटीआई के मोमेंटम को, क्योंकि उनको यकीन था कि हम लोगों ने अगर इसको हैंडीकैप ना किया तो हमारा कोई चांस ही नहीं है। इसमें कितनी हकीकत? ये हकीकत है, गौर साहब ने बल्कि खुद बताया कि उनके घर से लैपटॉप भी उठा के ले गए, हालत तक के उनके जो प्रिंटर वगैरह पड़े हुए थे वो भी उठा के ले गए। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन रियासती इदारों का काम है कि वो हमें तहफ़ फ्राहम करें, वो रियासती दहशत गर्दी करते हुए गौहर के घर पे अटैक किया, उमर अयूब के घर पे अटैक किया, यानी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हमारे पीटीआई ग्रुप पे अटैक किया। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे और फैसिलिटेट करे, और जो टिकट्स आती हैं वो उनको रिसीव करे, उनके मुताबिक निशान अलाट करे। वो इस वक्त सिर्फ इस बात के कि वो पीटीआई या पीटीआई नज़रियाती जिनके हमने सर्टिफिकेट्स जमा कराए हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उस सिलसिले में मैंने एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करा दिए। इलेक्शन कमिश्नर, उनके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मिलने के लिए भी हम वकला गए हैं, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है, वो चले गए हैं। देखिए, बड़ी अदालत में हमारे वकला कर रहे हैं, मैं उसमें आया हूँ, मैं उनको मशावरत करूँगा, उनको मशवरा दूँगा। जो कुछ हो रहा है, ये जुल्म ज़्यादती और जबर का माहौल कब तक ये चलेगा? 8 फरवरी को इलेक्शंस होने, इलेक्शंस का मतलब क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पार्टी को बांध के एक साइड पे रख दो, प्रपोजर स्कैंडल से उठाने, अगवा करने और तशद्दुद करने और गिरफ्तार करने, उसके बाद आपने देखा उससे बल्कि पहले नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, उसके साथ आपने देखा जो वकला भी गए उनको भी गिरफ़्तार कर लिया, उसके बाद जिनको टिकट्स मिली हैं अब उनके ऊपर तशद्दुद, उनको उठाया जाना, रात से गिरफ्तारियां, छापे, और आज जो टिकट्स समेत उनको छीना जा रहा है उनसे, ये सारा पूरी दुनिया देख रही है, पूरा मीडिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, बाइकॉट नहीं करेंगे, हर लम्हे इनका मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला बकौल इमरान खान जो साल पहले उसने कहा था कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, आज पूरी आवाम हमारे साथ खड़ी है, हमें कोई खौफ और डर नहीं है। डरने वाले वो हैं जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन डर रहे हैं वो पीटीआई और पीटीआई नज़रियाती और बल्ले और बल्लेबाज से। सर एक बात पे, बिलाल हुसैन गोंदल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये NH 74 सियालकोट से ये इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इनकी सीट अभी तक पेंडिंग है, इसके हवाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं। जी सर बताइएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कना बदो ये कना साइन, मेरी गुजारिश ये है कि वाकई मेरी सीट अभी तक पेंडिंग है, तो मुझे सीट की कोई फिक्र नहीं है। इधर मैं खान साहब का एक अदना सा कारकुन हूँ, तो उनका आशक हूँ, तो गौर साहब के लिए हम स्कूटी कर रहे हैं, ठीक है, मैं सारी टीम को साथ लेके आया हूँ, ठीक है, तो अल्लाह हैर करेगा इंशाल्लाह ताला, तो बाकी जो गौर साहब का फैसला होगा वो मेरे इशारे आंखों पे होगा। कितना आपको यकीन है कि आपको गौर साहब टिकट दे देंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए? MNA का टिकट आपको चाहिए, कितना आपको यकीन है इस चीज़ का? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए टिकट को मेरे लिए मैंने नहीं रखती, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि मैं खान साहब का आशिक हूँ, ठीक है, खान साहब ने गौर साहब को बनाया है पार्टी का चेयरमैन, गौर साहब का जो फैसला होगा वो मेरे सर आंखों पे। अभी मैं इधर जो हूँ वो पार्टी के लिए खड़ा हुआ हूँ और गौर साहब की सिक्योरिटी के लिए। आपकी सीट अभी आपने कहा कि पेंडिंग है, उसके लिए क्या आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स की जाएंगी यहाँ पर? देखिए बात पता क्या है, मैं इन बातों में नहीं जाता, ठीक है, ऑफर भी मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि सीट को मैंने नहीं रखती, ठीक है, मेरा ही शिकायत हाँ सब के साथ। आप यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर आपने फ्राइज सारे बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, जब अपना मैं सुबह निकला था, ठीक है, गौर साहब पहले आए थे,
तो मैं थोड़ा बाद में आया था। मैंने कोशिश की कि मैं उनके साथ निकलूँ, मैं कल भी उनके साथ था, मैं एक महीने से इधर मौजूद हूँ अपना इस्लामाबाद में, ठीक है। तो मैं कोई टिकट की फिक्र नहीं है मुझे, मैं एक दफ़ा सारा हल्के का चक्कर लगा ये हुआ है। अगर, तो अगर आपको टिकट दिया जाता है NH-74 सियालकोट का, तो क्या आप आने वाले दिनों के अंदर क्या वहाँ पर बेहतरी लेके आ सकेंगे सियालकोट की आवाम के लिए? देखें, अगर मुझे अपना गौर साहब टिकट इशू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो उधर के मसले मसाइल हैं वो भरपूर तरीके से मैं हल करूंगा। और मैं पहले भी, मैं कौन से लेवल से सियासत शुरू की है, 2013 में मैंने MNA का इलेक्शन लड़ रहा था, उसके बाद जो हमारी मुहालफ पार्टी हैं उन्होंने एक साजिश की थी जब मेरी शमूलियत हुई थी PTI में, हाँ साहब ने मेरा लॉन्च की थी उधर जो है ना नाम मेरा, तो मैं उस वक्त मुहालफों ने मुझे जेल में डाल दिया, 4 साल मुझे जेल में रखा मेरी वफादारी तब्दील करने के लिए, और अलहम्दुलिल्लाह मैं साबित करने रहा। अभी भी 2 हफ्ते पहले मैं फौतगी पे गया था हल्के में फैतह करने के लिए, तो मुझे इन्होंने पकड़ के मेरा जो लाइसेंसी असला है, ठीक है, उसको इन्होंने अनलीगल किया, लाइसेंस अवाम के सामने मैंने इनको दिखाए, ठीक है। इन्होंने मुझे ले गए थाना मरार को पोर्ट की हवालात में, 3 थाने थे, उधर DPO भी मौजूद था। सारी रात इन्होंने मेरी वफादारी तब्दील कराने के लिए जोर लगाया, तो प्रेशराइज किया गया, बहुत मेरे पास तस्वीरें हैं, बहुत वो दिखाते हैं आपको, वीक निशान जो है ना, कहते ये ना बनाओ, मैंने कहा ये मेरा हक है मैं बनाऊंगा, फिर उन्होंने मेरे पीछे हथकड़ी लगाई, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि एक रब को मानते हैं, एक नबी के उमती हैं, खास हैं कोई हम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं जो आप कहें हम मान लें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसको काट दो, पंजाबी कहने वढ़ दो, ठीक है। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, ठीक है। फिर इन्होंने हमें जेल भेजा, फिर मैं 2-3 दिन के बाद रिहा हो गया। बैरिस्टर गौर अली खान साहब जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, उनके घर पर हमला किया गया, उनके बेटे उसके साथ वाइफ को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इसके ऊपर क्या आप मौकफ रखते हैं कुछ? जी, मैं गया हूँ मौके पर गौर साहब के साथ, ठीक है, उधर मैं गया हूँ, जाके देखा है घर में इन्होंने क्या किया होता है, बेटे को मारा है, ठीक है, एक मुलाजम था गौर साहब का, उसका इन्होंने कंधा तोड़ा है, ठीक है। तो दूसरा जो था ये कैमरे, वो उनको दूसरी तरफ घुमा दिया, उसका जो कार्ड था वो लेके चले गए, ठीक है, बर्तन तोड़े और चीज़ें भी तोड़ी, तोड़फोड़ काफ़ी तोड़फोड़ की। और गौर साहब ने देखा, मैं उनकी दिलेरी को सलाम पेश करता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं देखा, उन्होंने बेटे को सिर्फ हाथ लगा के बेटा घबराना नहीं, उन्होंने कहा मेरे लिए केस अहम है, ठीक है। उसी वक्त 2 मिनट भी हम नहीं घर ठहरे तो हम फिर इधर पहुँचे। दूसरा, IG इस्लामाबाद की जानब से तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हम वहाँ पर पुलिस गई थी लेकिन दोबारा वापस आ गई, कोई चीज़ नहीं उठाई, किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं किया, क्या इसमें हकीकत है कोई? देखें, बात पता क्या है, IG साहब देखें इस्लामाबाद का बड़ा अहदा है उनके पास, मैं तो हैरान हूँ उन पर कि ना वकूआ देखा तो इधर आके कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने कहा जाओ जाके वकूआ देखो, फिर हमारे साथ गए हैं, ठीक है, उधर गौर साहब भी साथ थे, फिर जाके वकूआ देखा है उन्होंने, फिर आके माने हैं कि जी वो कोई चोर थे, ठीक है, तो हम उनको पकड़े हैं, ठीक है, आप बात समझते हैं सारी, तो इश्तियारी थे, तो ये बात उन्होंने उधर आके बाद में माने हैं कि जी जरूर अंदर बंदे गए हैं, ठीक है, लेकिन चोर थे। यार हैरानगी वाली बात है। हमारे साथ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी खान साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बल्ले के निशान को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जा रही है, सर बताइए। देखें, सबसे पहली वजह तो आपको पता है कि जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, PDM ने जितने मामलात किए, अपने मुकदमात ख़त्म किए, नैब एक्ट में तरमीमें की, सारी चीज़ें ख़त्म करा के अब इस चीज़ में थे कि इमरान खान को या तो बाहर भेजा जाए या इस पर सिस्टम से माइनस किया जाए। उन्होंने जेल कबूल कर ली, 180 फेक मुकदमात कबूल कर लिए, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं, मैं जहाँ बैठूंगा। अब उनके पास था कि अब इलेक्शन से कैसे निकाला जाए, अब वो लग गए हमारी पार्टी के पीछे कि पहले तो उन्होंने खाम पार्टी के लोगों के खिलाफ पर्चे दिए, अब फिर
انٹرا پارٹی الیکشن کو ایک چیز بنا کے کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل عدم قرار دے رہی ہے. بتاتا ہوں, ہم نے ڈائریکشن کے مطابق الیکشن کرائے ای سی پی کے اور پورا ریکارڈ وہاں جمع کرایا, لیکن ای سی پی اس کے باوجود ای سی پی نے ہمیں اس ہمارے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا. ہم ہائی کورٹ گئے, پشاور ہائی کورٹ کے ڈائریکشن دی جائے ای سی پی کو کہ جب ہم نے رزلٹ جمع کرا دیے تو ہمارا بلے کا نشان نوٹیفائی کیا جائے, لیکن نہیں ہوا. پشاور ہائی کورٹ نے دو فیصلے ہمارے حق میں کیے اور یہ جو ابھی فیصلہ ڈی بی نے کیا اس فیصلے کو جہاں چیلنج کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے سے انتہائی مایوسی ہوئی ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں نا کتنے لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں اس الیکشن سے. کیا آپ 22 کروڑ عوام کو جمہوری پروسیس سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, فیڈریشن کی جماعت ہے اور لوگ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں. آپ ان کو چیف جسٹس خود کہتا ہے کہ میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا. تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ کون سی وجوہات تھیں کہ آپ نے ہم سے بلہ بھی لے لیا اور کاکی جی پارٹی الیکشن میں نہ جائے. اور جتنے پٹیشنر تھے ان پٹیشنر کو بھی سن لیا, کوئی پٹیشنر نامینیشن پیپر لے کے نہیں آیا, کوئی پٹیشنر اس پروسیس کا حصہ نہیں بنا. اس کے باوجود بھی مجھے حیرت ہے کہ جو آج فیصلہ چیف جسٹس نے کیا ہے اور سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ کا بینچ خود پریشان تھا اس میں کہ دیکھیں لوگوں کو آپ الیکشن پروسیس سے جو ان کا رائٹ ہے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں 4 لوگ ہیں, ان 4 لوگوں کو سننا بھی ہے, اس ایک طرف سے 22 کروڑ عوام ہے. 22 کروڑ عوام میں آپ اس پارٹی کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ 80 سے 90% لوگ خان کے ویژن کی وجہ سے ایفیلیٹڈ ہے. انتہائی سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین کا گھر ہمارے جو ہے نا وہ اس طرح, مطلب اس طرح دعویٰ بولا جاتا ہے. اور بعد میں جب آئی جی کو یہاں پہ سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا چیف صاحب کی طرف سے, تو انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم جو ہے نا کوئی اشتہاری ملزم, ہمیں خبر ملی کہ وہاں پہ اس نے پناہ لی ہوئی ہے تو ہم اس کی تلاش میں گئے تھے. یہ بس یہ ایک بیانیہ تھا, یہ آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے جو ہے نا اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے کیا ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. فیملی کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ یہاں سے لیپ ٹاپ اور کاغذات بھی یہاں پر اٹھائے گئے ہیں, کیا یہ اس میں کتنی حقیقت؟ جی حقیقت ہے, گور صاحب نے بلکہ خود بتایا کہ ان کے گھر سے لیپ ٹاپ بھی اٹھا کے لے گئے, حالاں تک کہ ان کے جو پرنٹر وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا کے لے گئے. اب پتہ نہیں وہ اس دہشت گرد یا جو بھی اشتہاری تھا اس کا اس لیپ ٹاپ اور پرنٹر کے ساتھ کیا تعلق تھا, یہ اب نہیں پتا. تو یہ بھائی جی صاحب بتائیں گے کیا ہوتا ہے. ہم لوگ آگے آنے والی جو بھی باقی پارٹیز کے بھی جو الیکشنز ہوں گے یا جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ بھی اب کور نہیں ہوا کریں گی. تو اگر ہم نے قربانی دے کے یہ سب کچھ واضح کرنا تھا, ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا, تو ٹھیک ہے. بلے کے نشان کو لے کے اتنی کنٹروورسی کیوں ایڈ کی جا رہی ہے یہاں پر؟ بلے کے نشان دیکھیں, انہوں نے ہر طرح سے ہینڈی کیپ کرنا تھا پی ٹی آئی کے مومنٹم کو, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم لوگوں نے اگر اس کو ہینڈی کیپ نہ کیا تو ہمارا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو اس طرح تو کھیلنے کا مزہ بھی نہیں آتا کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل ہی بلو دا بیلٹ جا کے مووز کرتے رہیں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے, کیا آپ دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرا کے بلے کا نشان کو واپس لیں گے؟ ابھی ہم اسٹریٹجی بنائیں گے, کیا کریں گے؟ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کا فیصلہ کیسا رہا, عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, ان سے جاننے کی کوشش. جی سر بتائیے گا. دیکھیں فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے, عوام کے اندر ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے. عوام الیکشن جمہوریت کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے رائٹس کی طرف دیکھ رہی تھی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان واحد ادارہ ہے جو لوگوں کے رائٹس کو گارنٹی کرتا ہے, جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہیں. عوام مایوس ہے, عوام کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس سے آج محروم کیا گیا ہے. اپنے میزبان وقاص رشید کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.